करते हैं एक्सरसाइज 2.2, इसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इस वक्त फाइंड करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो थे उनमें हमें सम निकालना था, सम ऑफ जीरोस और कभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लेकिन यहां पे हमें क्या करना, हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को हमें फाइंड करना है सम और प्रोडक्ट आपको देकर। सम इज गिवन, प्रोडक्ट इज गिवन, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिसका ये सम है, सम ऑफ जीरोस है और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो देखो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं इससे फाइंड करता हूं एबीसी, फिर एबीसी को मैं करता हूं काम, रियल नंबर्स को मैं फाइंड करूंगा। यानी कि हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है वो है ax2 + bx + c, यही है ना। मैं करूंगा काम, a को फाइंड करूंगा, b को फाइंड करूंगा, c को फाइंड करूंगा। इसके बाद इस वाले जनरल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में वो पुट करूंगा, वहां पे मेरी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन जाएगा, ठीक है ना। शाबाश। तो मैं एबीसी को कैसे निकालूंगा, आप तवज्जो रखो, देखिए मैं इसी से निकालता हूं, मैं फायदा उठाता हूं इन्हीं चीजों से जो मुझे गिवन है। मैं लिखूंगा सिंस सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना है, 1/4, वेरी गुड, इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, -b/a, वेरी गुड। तो निकल गया मेरा a है 4, -b है 1, मैं लिखूंगा डियर 4, a मेरा निकल गया 4, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर a है, तो a है 4। लेकिन प्रॉब्लम है कॉमा, मैं b मुझे नहीं निकला, मुझे -b निकला, तो -b मुझे निकला इज इक्वल टू 1, लेकिन निकालना क्या चाहिए मुझे b, तो इसको माइनस खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो -b इज इक्वल टू 1, यहां पे b का कोएफिशिएंट क्या है, अगर कुछ नहीं तो 1 होता है, b का कोएफिशिएंट असल में 1 होता है, ये माइनस असली b को नहीं है 1 को। मैं इस माइनस 1 को खत्म करने के लिए क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा माइनस 1 दोनों साइड से। मैंने आपको बोला ना जो जर्ब वाला है वो बटा से खत्म हो जाता है, मैंने क्या काम किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड से भी माइनस 1 डिवाइड किया और राइट हैंड साइड से, इससे मेरी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अब देखो माइनस 1 माइनस 1 खत्म, b निकला मुझे 1 डिवाइड बाय माइनस 1। अब मेरे डिनोमिनेटर में माइनस नहीं आना चाहिए, इस माइनस को मैं खत्म करने के लिए ऊपर भी माइनस 1 जरूर दूंगा, नीचे भी, मैं रूल के तहत चलता हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला कोई भी रैशनल नंबर है अगर आपको उसको कोई भी नंबर दोगे वही आपको न्यूमरेटर को भी जरूर देना है, वही डिनोमिनेटर, फिर आपका फ्रैक्शन सेम रहेगा, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला 10 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसका वैल्यू कितना है 5। अब मैं करूंगा 10 डिवाइड बाय 2 को कुछ जरूर 2 करूंगा ऊपर भी 2 नीचे भी, मैं प्रूव आपको करूंगा, मैं प्रूव करके दूंगा अगर हम एक रैशनल नंबर को सेम नंबर ऊपर भी जरूर देंगे नीचे भी डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप बताओ 10 2 जा 20 है ना, ठीक, डिवाइड बाय 2 2 जा 4, अब 4 से कैसे काटो, 4 1 जा 4, 5 जा 20, इधर भी 5 आ गया इधर भी 5, वही मैंने यहां पे माइनस 1 ऊपर भी जरूर नीचे भी जरूर। अब करो सर b निकला बराबर 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइड बाय 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 1, अब नीचे का 1 जरूरी नहीं है, b निकला मुझे माइनस 1। अब यहां इतना लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस b है 1 और b निकला मुझे माइनस 1, ये माइनस चला गया इधर, कैसे चला गया उसके लिए मैंने आपको इधर समझाया, क्लियर होगा। रखा मैंने निकाल के a भी निकला मुझे, b भी निकला, अब मुझे c नहीं पता है, c मैं निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर होता है c डिवाइड बाय a, वो कितना देख रहा है माइनस 1, माइनस 1 को मैं, अब मेरा यहां पे न्यूमरेटर है इसको मैं रैशनल नंबर बनाऊंगा, इसको मैं करूंगा खुद से डिवाइड बाय 1, क्योंकि 1 हम किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं उससे फर्क नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब है लेकिन एक प्रॉब्लम होगी बच्चों, यहां मुझे निकला जब मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला वहां a निकला 1, यहां a निकलता है 4, तो प्रॉब्लम होगी, एक ही होना चाहिए ना। अब मैं करूंगा काम, 4 को 1 बनेगा कि 1 को 4 बनेगा, 1 को ही 4 बनेगा, मैं करूंगा काम, मैं एक चीज यहां पे करूंगा इनको सेव करने के लिए, क्योंकि a का वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट आ रहा है, आपको बात आ रही है समझ में, यहां पे a का वैल्यू आ रहा है 4 यहां पे देखो और यहां पे a का वैल्यू आ रहा है 1, प्रॉब्लम है। मैं करूंगा काम इस a को इसका भी वैल्यू 4 करने के लिए मल्टीप्लाई 4 करूंगा, लेकिन ऊपर भी होनी चाहिए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई 4 कर रहा हूं डिनोमिनेटर, इससे मेरा फ्रैक्शन फिर भी सेम रहेगा,
इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं खाली न्यूमरेटर को नहीं दे सकता, मैं न्यूमरेटर को भी दे रहा हूं और डिनोमिनेटर को भी। अब ये मेरा नंबर बनेगा 4 - 4 - 4 / 4 अब मेरा सेम आ गया। देखो ए यहां पे भी 4 आ गया, ए यहां पर भी 4, ए यहां पे भी 4 है, तो सी अब आ गया मेरा -4। वेरी गुड, डियर फोर सी आ गया -4। ए मैंने ऊपर लिखा ही था 4, अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे निकला ए भी, मुझे निकला बी भी, और मैंने निकला सी भी। इन वैल्यूज को मैं आउटपुट करूंगा जनरल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में, मेरा आंसर हो जाएगा, मेरी इक्वेशन बन जाएगी। मैं लिखूंगा नाउ पुट a is equal to 4, b is equal to -1 and c is equal to -4 in general quadratic polynomial comma we get। लिखो बच्चों, सॉरी लिखो बच्चों, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, ax² + bx + c। यही है बच्चों, वेरी गुड। अब मैंने ए बी सी निकाल दिया था, ए के बदले में क्या लिखूंगा, 4x² ए मेरा है 4 और x² अपना आ गया, प्लस बी के बदले -1 है और साथ में रहेगा x। क्लियर है सर, वेरी गुड। और सी के बदले सी है -4, जब प्लस आ गया तो इधर ब्रैकेट आ गया। अब थोड़ा सा मामूली सॉल्व करेंगे तो हमारा हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है वो आ जाएगी। तो 4x² को कुछ मत करो, प्लस माइनस माइनस 1x हो गया x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया -x, प्लस माइनस माइनस 4, ये हमारा आ गया आंसर। ये हमारी हो गई गिवन, ये हमारी हो गई रुकायत क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, हो गई एक मेथड, ये होगी एक मेथड ए बी सी को निकालना, फिर उनको गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में पुट करना, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी मेथड भी हमारे पास है, सेकंड मेथड के जरिए भी इस सवाल को मैं सॉल्व करूंगा। मैं लिखूंगा सेकंड मेथड क्या है बच्चों, वो है आप लिखो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस कितना देकर है, मैं लिखूंगा सम ऑफ जीरोस मुझे देकर है 1/4 है, शाबाश। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरी गुड, कितना है बच्चों -1 है। अब मैं इसके लिए फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला, वो है x² - sum of zeros plus product of zeros वेरी गुड, ये हो जाए। और इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं x² - sx + p, यानी कि x² - s का मतलब है sum of roots, sum of zeros into उसके साथ x है, plus p हो गया product of zeros। yes, ये भी अगर आपको ये याद नहीं रहेगी तो ये आपको याद रहनी चाहिए x² - sx + p। यहां पे आपको a b c निकालने की कोई जरूरत नहीं, यहां पे आप डायरेक्ट पुट करो तो डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। तो x² के बदले आप क्या लिखोगे, x² x² हो गया ऐसे, माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4 और उसके साथ यहां सॉरी यहां x है इसके साथ 1/4 और साथ में x, समझाई बात, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1, वेरी गुड। अब इसको x² - 1/4 x + -1, अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4x² क्या हो गया 4x² - 1 1 = 4, इसके नीचे कुछ ये तो 1 है, वेरी गुड, 1 1 = 1 डिवाइड बाय, नहीं यहां है ना x, इसके साथ x है, यानी कि 1 1 = 1 और ये x होता है ना इसके साथ 4 1 = 4, वेरी गुड, -1। यहां पे ये फार्मूला जो है 0 के बराबर होती है, ठीक है ना, यानी कि x² - sx + p = 0, यहां पे p = 0 = 0, ये जो फॉर जिसे हम डायरेक्ट दे सकते हैं, तो p = 0। अब करो काम, अब यहां पे एक और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 1 के साथ, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1, अब इसको 1 के साथ दे दो जरा तो पूरा निकलेगा वापस 4x² - 1x हो गया x है ना, -4 1 = 4 डिवाइड बाय 4 1 = 4 = 0, एक और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वाला, अब करो इसको करो यहां इसी जगह कुछ है तो 1 है, इसको करो इसके साथ जरा हो गया 4x² - x - 4 = 4 0 0 है ना, नहीं 0 को किसी के साथ भी जरा पूरा 0 आएगा, लेकिन यहां पे नीचे वाले दो को नहीं होगा क्योंकि इसी पॉइंट वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसी पॉइंट में सिर्फ होता है कॉर्नर को कॉर्नर के साथ, इसको होता है इसके साथ, नीचे वाले दो को नहीं होता है। तो अब इसको आपकी जो रुकायत क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है वो आपको आ गई, देखो यहां भी वही निकला था 4x² - x - x - 4, दोनों मेथड से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, क्लियर हुआ, ओके।